नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं thelalantop.com। कागज़ पर गुरुग्राम और ज़बान पर गुड़गांव से एक गंदी खबर आई है। वहाँ एक मुस्लिम लड़के को मार पीट कर उसकी दाढ़ी साफ करा दी गई। सैलून वाला नहीं मान रहा था तो उसको भी पीट दिया। मैटर बादली गांव का है, जो पुन्हाना खंड और ज़िला मेवात में है। वहीं का रहने वाला है जफरुद्दीन, अब्दुल हमीद का बेटा। गुड़गांव सेक्टर 29 में जफरुद्दीन का छोटा सा रेस्टोरेंट है। 31 जुलाई की बात है, शाम 6 बजे जफरुद्दीन अपने रेस्टोरेंट के कुक इब्राहिम के साथ गुड़गांव की खांडसा मंडी में सब्जी लेने गया था। रोज़ काम है तो आना ही पड़ता भाई। सब्जी वब्जी खरीद लेने के बाद इब्राहिम को लगा कि बाल बहुत बढ़ गए हैं, इनको कटवा लेना चाहिए। तो वहीं एक हेयर कटिंग सैलून में घुस गए। वहाँ दो लड़के पहले से बैठे शेविंग करा रहे थे। उनमें से एक ने शेविंग कराने के बाद जफरुद्दीन से कहा कि तू दाढ़ी कटवा ले। जफरुद्दीन ने इनकार किया। फिर उन दोनों ने उसके साथ मारपीट की, गालियाँ दी, कहा कि तू पाकिस्तानी है इसलिए दाढ़ी नहीं कटवा रहा। फिर सैलून वाले भैया से कहा कि इसकी दाढ़ी साफ करो, उसने भी इनकार किया तो उसको भी मारा। फिर जफरुद्दीन को ज़बरदस्ती कुर्सी में बांध दिया उसी के गमछे से। उस तरह उठाया तो सैलून वाले बोले, भैया हमारी मान रहे हैं। उस तरह लेकर खुद ही उसकी दाढ़ी काट दी। इस पूरे मामले के लिए गुरुग्राम सेक्टर 37 में जफरुद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई है। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जांच भी चालू हो गई है। आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा हमको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Facebook पेज जो है उसको भी लाइक कर लीजिए। और हाँ, एक और नई बात है कि हमारा Android ऐप आ गया है, तो उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और अच्छी अच्छी खबरें, ऐसी ही खबरें वहाँ पर पढ़ते रहिए।